लेकिन अंदर से वो नागपुर में भी रहकर क्रांतिकारी काम ही किया करते, और बहुत वर्षों तक बंगाल से उनके आखिरी समय तक भी लोगों से बंगाल से क्रांतिकारियों का आना और डॉक्टर साहब से मिलना ये होता रहता था। कई बार बंगाल से पिस्तौलें आती थी ना, उसको साफ कराना और सुधारना ये काम करके डॉक्टर साहब वो पिस्तौलें वापस भेजिए। एक ब्रिटिशों की मिलिट्री की गाड़ी नागपुर से गुजरती थी, तो कुछ क्रांतिकारियों ने ऐसा सोचा कि इस गाड़ी से शस्त्रों की एक पेटी उठा ली जाए और उसमें से शस्त्रास्त्र क्रांतिकारियों में बांट दिए। जब ये बात डॉक्टर साहब के पास आई तो डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं, ये साहस नहीं है, ये दुस्साहस है, और हम यदि पकड़े जाएंगे तो लाभ तो कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। लेकिन वो जो क्रांतिकारी थे वो युवा थे और वो काफी उत्साहित थे, वो मानने को तैयार नहीं थे, और उन्होंने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, हम तो ऐसा करेंगे ही और आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। जब डॉक्टर साहब ने सोचा कि अब ये करने ही जा रहे हैं तो इनकी सहायता की जाए, नहीं तो कुछ बचपना कर देंगे, पकड़े जाएंगे, नुकसान है, तो शस्त्रों की पेटी भी वहां से गायब कराना, ये भी काम डॉक्टर साहब ने किया। एक संघ कार्यकर्ता श्री कृष्ण पुराणी पुलिस इंस्पेक्टर का ड्रेस पहनकर वहां पर चले गए थे, और पुलिस इंस्पेक्टर वो शस्त्रों की पेटी मांग रहा है इस तरह का करके वो लेके आए, और भौजी कावरे डॉक्टर साहब के मित्र थे, क्रांतिकारी थे, वो टांगे वाले के वेश में सामने आए और उन्होंने वो पेटी ली और बाद में पेटी गायब कर, और इसका कोई बाद में साक्ष्य उपस्थित ना हो इसलिए डॉक्टर साहब ने उस पुलिस इंस्पेक्टर के प्रवेश को आग लगाया। तो ऐसे काम करते करते बाद में वो कांग्रेस में काम करने लगे। कांग्रेस में काम करने के पहले क्रांतिकारी काम करते करते भी वो समाज कार्य भी करते, जैसे वो कलकत्ता में थे, सशस्त्र क्रांतिकारियों के बीच में काम करते, गुप्तचर उनके आगे पीछे घूमते रहते थे, तो वहां पर भी वो कुछ सामाजिक कार्य करते थे, जैसे उन्होंने दंगा पीड़ितों के लिए एक सेवा पत्र बनाया। फिर सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में एक स्वदेशी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई थी, उसमें डॉक्टर साहब स्वयंसेवक के रूप में भाग लेने गए। फिर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन ने दामोदर नदी में जब बाढ़ आई तो बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद के लिए जो काम चालू किया था डॉक्टर हरगेवार उसमें भी। फिर बहुत पहले से डॉक्टर साहब के मन में ऐसा कुछ आता था कि कुछ व्यवस्थित अनुशासित ऐसे स्वयंसेवक अपने पास होने चाहिए। डॉक्टर मुंजे की जो बात थी, डॉक्टर मुंजे का कहना था कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण होना चाहिए, और इसलिए डॉक्टर मुंजे को भी ये मिलिट्री वगैरह चीजों का बड़ा उनको ये था, आग्रह था कि गणवेश होना चाहिए, ड्रिल होना चाहिए, व्यवस्थित सब होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने उनके मित्र अप्पाजी जोशी को बोला कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंडल नाम से एक संस्था चालू। 1916 की बात, 1916 में उन्होंने ये काम चालू। नागपुर में एक बात और थी कि उत्सव मनाए जाने चाहिए, बड़े लोगों के उत्सव होना चाहिए, बड़े लोगों के जन्मदिन मनाना चाहिए, और इस सब को देखते हुए एक उन्होंने राष्ट्रीय उत्सव परिषद बनाया जिसके डॉक्टर साहब कार्यवाह बने, और शरद पूर्णिमा के दिन वो अपने घर में कुछ आयोजन करते थे और उसमें 80 से लेके 100 लोगों तक की उपस्थिति प्रतिवर्ष रहती थी। ये भी बात उन्होंने 1916 के पहले चालू की। 1920 में नागपुर में भारत स्वयंसेवक मंडल नाम की एक संस्था बनी, डॉक्टर परांस में उसके अध्यक्ष बने और डॉक्टर हेडगेवार उसके सचिव। उसका भी उद्देश्य था कि सार्वजनिक काम जब करेंगे कुछ तो स्वयंसेवक उपलब्ध होना चाहिए, कार्यकर्ता उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्वयंसेवक मंडल का गठन किया। नागपुर में डॉक्टर चोलकर एक थे जो अनाथ विद्यार्थी गृह चलाते थे, तो डॉक्टर साहब उस अनाथ विद्यार्थी गृह का भी काम करते थे, उसका भी बहुत ज्यादा उनको मदद करते। जब डॉक्टर चोलकर ने डॉक्टर हेडगेवार को बोला कि भाई मेरे को अनाथ विद्यार्थी गृह के लिए कोई अच्छा शिक्षक चाहिए, तो उन्होंने बाळासाहेब देवरस की वहां नियुक्ति कर दी थी, और बाळासाहेब देवरस ने अपने जीवन में कोई नौकरी नहीं की और
नौकरी जैसी यदि कोई बात की उन्होंने तो केवल अनाथ विद्यार्थी गृह में उन्होंने पढ़ा। जब ये डॉक्टर साहब ने अपने स्टेटस की बात की थी कि सार्वजनिक कार्यकर्ता को स्टेटस होना चाहिए, तो संघ के जो प्रचारक बने उनमें भी ऐसे स्टेटस वाले बहुत सारे लोग आए। अभी बाला साहेब देवरस का नाम लेने पर मेरे को स्मरण आया कि बाला साहेब देवरस गोल्ड मेडलिस्ट और गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थी संघ का पूर्णकालिक प्रचारक बना। और ये बात वही समाप्त नहीं हुई, गोविंदाचार्य गोल्ड मेडलिस्ट है और बहुत दूर का नहीं हमारे रमेश नागर जी एमएससी मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट है, जबलपुर में वर्षों तक विभाग प्रचारक रहे। तो अच्छा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति वो होना चाहिए और अनाथ विद्यार्थी ग्रह के लिए भी कोई शिक्षक चाहिए। तो बाला साहेब देवरस जैसे आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी को डॉक्टर साहब ने बोला कि जाओ वहां विद्यालय में पढ़ाओ, ऐसे चाहे जिस व्यक्ति को भेजा नहीं उन्होंने। 1917 में उन्होंने होम रूल लीग में काम करना चाहिए और 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन। इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता लोकमान्य तिलक करेंगे ऐसी योजना थी, लेकिन दुर्भाग्य से 1 अगस्त 1920 को तिलक जी का स्वर्गवास। तो नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के लिए डॉक्टर साहब ने पूरे विदर्भ क्षेत्र का प्रचार दौरा किया था कि वो अधिवेशन सफल। 1920 में भी एक बात हुई कि तिलक जी के निधन के कारण कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस नेतृत्व विहीन कुछ दिन के लिए हो गई और महात्मा गांधी ने बाद में कांग्रेस का नेतृत्व संभाला। डॉक्टर मुंजे को, डॉक्टर हेडगेवार को और ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि तिलक जी के जैसा ही कोई व्यक्ति कांग्रेस का नेता बाद में बने, इसलिए डॉक्टर मुंजे और डॉक्टर हेडगेवार दोनों 1920 में योगी अरविंद के पास पांडिचेरी में पहुंचे और योगी अरविंद से उन्होंने अनुरोध किया कि आप ये अध्यात्म वगैरह छोड़ दीजिए, वापस आ जाइए और कांग्रेस का नेतृत्व संभालिए। लेकिन योगी अरविंद ने उसके लिए अपनी सहमति नहीं दी। तिलक जी के बाद तो डॉक्टर मुंजे ने कोई विशेष कांग्रेस का काम किया, लेकिन जब गांधी जी ने बोला था कि मैं 1 साल में स्वराज्य लाऊंगा, तो डॉक्टर साहब ने बोला चलो ठीक है, ये बोलते हैं तो करके देखते हैं, 1 साल में स्वराज्य मिलता है तो बहुत अच्छी बात। लेकिन 1 साल में स्वराज्य मिला नहीं। 1920 के नागपुर अधिवेशन के लिए भी स्वयंसेवकों की जरूरत थी, तो वहां पर कांग्रेस के लिए एक, कांग्रेस अधिवेशन के लिए एक स्वयंसेवक दल बना। फिर डॉक्टर परांजपे उसके अध्यक्ष बने और डॉक्टर हेडगेवार उसके कमांडिंग ऑफिसर बने, सचिव थे और कमांडिंग ऑफिसर। फिर 1920 में ही डॉक्टर हेडगेवार ने प्रयास किया कि कांग्रेस के अंतर्गत एक स्वयंसेवक दल बनाया जाए, लेकिन उसमें डॉक्टर साहब असफल रहे, उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई। फिर उन्होंने 1920 के अधिवेशन में डॉक्टर साहब ने और उनके कुछ मित्रों ने एक प्रस्ताव लाया कांग्रेस के अधिवेशन में, हिंदुस्तान का प्रजासत्ताक बनाकर पूंजीवादी राष्ट्रों के शिकंजे से विश्व के देशों की मुक्तता करना कांग्रेस का ध्येय, इस तरह का प्रस्ताव लाया। मैं फिर से पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान का प्रजासत्ताक बनाकर पूंजीवादी राष्ट्रों के शिकंजे से विश्व के देशों की मुक्तता करना कांग्रेस का ध्येय। लेकिन उस अधिवेशन की जो विषय नियामक समिति थी उन्होंने इस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया, तो अधिवेशन के विचारार्थ ये प्रस्ताव नहीं आ सका। डॉक्टर साहब फिर भी असहकार आंदोलन में 1921 से फिर सक्रिय थे और जब वो भाषण देते थे तो उनके भाषण काफी उग्र भाषण होते, उग्र भाषण होने पर उनको कोर्ट से एक नोटिस आया कि आप सरकार के विरुद्ध जहरीली भाषा का उपयोग करते हैं, आप अपने आप को सुधारें और इसके बारे में आपको क्या स्पष्टीकरण देना है आप वो स्पष्टीकरण दें। डॉक्टर साहब ने जैसा होता है एक लिखित उसका उत्तर दिया। फिर कोर्ट ने उनको बोला कि आपने जितना उग्र भाषण दिया था, जहाल भाषण दिया था, इससे अधिक जहाल तो आपका बचाव, आप अपने बचाव में जो कहना चाहते हो ये इससे अधिक उग्र है। तो कोर्ट ने उनको 1 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और डॉक्टर साहब 1 साल कारागृह में, 1 साल की जेल यात्रा की। जब वापस लौटे
नागपुर में वेंकटेश सभागृह में नागपुर कांग्रेस के बड़े नेता नाभा खरे, डॉक्टर नाभा खरे की अध्यक्षता में डॉक्टर साहब के गौरव के लिए एक सभा हुई, डॉक्टर साहब के सत्कार की सभा, और उसमें हकीम अजमल खान और पंडित मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने डॉक्टर हेडगेवार के गौरवार्थ भाषण दिया, उनके सत्कार में भाषण, संघ के लोग स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं किया, आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसे बोलते हैं उसमें एक वर्ष का सक्षम कारावास का सजा याफ्ता व्यक्ति क्या नहीं होता। लेकिन प्रचार है, अब यह लोगों को मालूम नहीं है, साक्षात पंडित मोतीलाल नेहरू ने उनके गौरव में वहां पर भाषण दिया। डॉक्टर हेडगेवार जब कांग्रेस का काम करते थे तो वो विदर्भ एवं मध्य प्रांत के प्रांतिक कांग्रेस के सहमंत्री हुआ था। 1923 में डॉक्टर साहब को उनके एक मित्र विश्वनाथ राव केळकर उनके घर पे स्वातंत्र्य वीर सावरकर की लिखी पुस्तक हिंदुत्व को पढ़ने का अवसर मिला। अब जब हिंदुत्व को उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा तो उनको लगा कि भाई मैं अपने मन में जो सोच रहा हूं वो सबका सब इस पुस्तक में लिखा हुआ, तो वो उन्होंने नागपुर में हिंदू महासभा की स्थापना की। और जब नागपुर हिंदू महासभा की स्थापना हुई 1923 में तो नागपुर के राजा लक्ष्मण राव भोसले हिंदू महासभा के नागपुर शाखा के अध्यक्ष बने, डॉक्टर मुंजे उपाध्यक्ष बने और डॉक्टर हेडगेवार महासचिव। डॉक्टर हेडगेवार 1924 में पहली बार गांधी जी से मिलने के लिए वर्धा गए और डॉक्टर हेडगेवार के एक बहुत निकटवर्ती मित्र अप्पाजी जोशी वो प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री थे, गांधी जी से उनका बहुत अच्छा परिचय था, अप्पाजी वर्धा में ही रहते थे, तो अप्पाजी को लेकर और भी दो तीन लोगों को लेकर डॉक्टर साहब वहां पर गए, गांधी जी से भेंट की और गांधी जी से भेंट करते समय उनकी जो चर्चा हुई उसमें एक मुख्य विषय था हिंदू मुस्लिम एकता। मेरा निवेदन है कि मैं इस बात को जो बोल रहा हूं आप थोड़ा इस पर ध्यान दें। तो डॉक्टर हेडगेवार ने उनको बोला कि आप हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात कर रहे हैं ये गलत है, आपको सर्वधर्म समभाव की बात करना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो उसको हिंदुस्तान में सारे अधिकार होना चाहिए जैसे हिंदुओं को है, और एक प्रतिष्ठापूर्ण जीवन किसी भी धर्म के व्यक्ति को हिंदुस्तान में यापन करने का, जीवन यापन करने का अधिकार हो, ये बात बिल्कुल उचित, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की बात आप करते हो तो गलत है। बोले इससे ऐसा ध्वनित होता है कि शायद इस देश में हिंदू और मुसलमान ये दो ही धर्म के लोग रहते हैं और मुसलमानों को अकारण महत्व प्राप्त होता है, अकारण महत्व प्राप्त। अब ये एक कोई समाचार भी बन सकता है कि डॉक्टर हेडगेवार हिंदू मुस्लिम एकता के विरोधी थे, ऐसा नहीं था, उनका यह कहना था कि इसमें मुसलमानों को व्यर्थ में महत्व मिल रहा है और ये जो महत्व मिल रहा है इस महत्व की मुसलमान को बाद में कीमत वसूल करेंगे। 1924 में ये बात डॉक्टर साहब ने गांधी जी से बोली, बोला था कि आप बोले ना कि भाई सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, सभी धर्म के लोग एक, तो गांधी जी ने मुस्कुरा के कहा था कि भाई ऐसा है कि मुसलमान इस देश का बहुत बड़ा समाज है, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते, और हिंदू मुसलमान एकता यदि हो जाएगी तो बाकी धर्म के लोग अपने आप जुड़ जाएंगे, कोई अड़चन नहीं। तो डॉक्टर हेडगेवार ने बोला कि भगवान कहे कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा हो, लेकिन मुझे तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान दिखा। स्वातंत्र्य वीर सावरकर का इसके बारे में विचार बहुत स्पष्ट है कि जो भी हिंदुस्तान में रहता है अपने आप को हिंदुस्तान का नागरिक मानता है और अंग्रेजों को पहली व्यक्ति मानता है, अंग्रेजों को हटाना चाहता है, तो उनको एक साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए, हिंदू मुसलमान हिंदुओं की सहायता करे उसके बदले में हिंदू मुसलमानों का खिलाफत आंदोलन में साथ दे, ये कोई बात नहीं थी। सावरकर जी ने दो टूक कहा था कि आओगे तो तुम्हारे साथ, नहीं आओगे तो तुम्हारे बिना, और विरोध करोगे तो तुम्हारे विरोध को कुचल कर हम हिंदुस्तान को स्वाधीन करके रहेंगे, स्पष्ट विचार था। डॉक्टर हेडगेवार को ये विचार पसंद आया, उन्होंने गांधी जी से बोला ऐसा, गांधी जी ने बोला कि नहीं नहीं। और अप्पाजी जोशी ने लिखा है कि 1947 में जो कुछ हुआ
उससे ये दिखता है कि 1924 में ही डॉक्टर साहब ने इसकी भविष्यवाणी कर दी। डॉक्टर साहब ने क्रांतिकारी जीवन बिताया, सामाजिक कार्य किया, राजनीतिक कार्य किया, राजनीतिक कार्य भी कांग्रेस में भी किया और हिंदू महासेवा में भी किया। उसके अलावा ये जानकारी शायद बहुत कम लोगों को होगी कि डॉक्टर साहब ने पत्रकारिता में भी कहा, मुंबई में स्वतंत्र नाम का एक दैनिक चालू किया 1923 में उसकी योजना पर, और वो सहकारी आधार पर वो बना गया। उसके कुछ डायरेक्टर्स बने थे, उसमें डॉक्टर मुंशी भी थे और डॉक्टर हेडगेवार भी थे और भी लोग थे। 1924 को जनवरी के महीने में ये पत्र प्रारंभ हुआ और ये पत्र कुल एक साल चला और जनवरी 1925 में अर्थाभाव के कारण ये वर्तमान पत्र समाचार पत्र बंद हो गया। इसमें एक साल में चार संपादक बने। इसमें जो चार नाम है उन चार नामों में साहित्यकार एक ही थे, अच्युत बलवंत कोलटकर, और बाकी जो थे वो ऐसे ही बनते और आखिरी संपादक डॉक्टर हेडगेवार। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो समाचार पत्र के संपादक को देने के लिए वेतन उनके पास ना हो तो डॉक्टर साहब ने बोला कि चलो मैं संपादन कर रहा हूं। कहने का मतलब मेरा ये कि ऐसे विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव उन्होंने प्राप्त किया। अनुभव प्राप्त करने के बाद डॉक्टर साहब कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे। ये तो काम सब प्रकार का किया और साथ काम करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष ये था कि अंग्रेज हिंदुस्तान में शासन करने को, राज करने को नहीं आए। वे यहां व्यापार व्यवसाय करने के लिए, दुकानदारी चलाने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने ये देखा कि इस देश में बहुत सारे राज्य हैं छोटे छोटे, इनमें अखिल भारतीयता का, एकता का अभाव, और यह अभाव होने के कारण ये लोग एक दूसरे से युद्ध करते हैं। युद्ध करने का कारण होता है अपने राज्य की रक्षा या अपने राज्य का विस्तार, दो ही उद्देश्य थे। और इन्हीं दो उद्देश्यों के कारण, पीछे तक आवाज आ रही क्या? इन्हीं दो उद्देश्यों के कारण उनको एक अवसर मिल गया, इन्हीं दो वास्तविकताओं के कारण उनको अवसर मिल गया कि उन्होंने जब दो राजा झगड़ते थे तो ये बीच में आ जाते थे और उन दोनों को हटाकर स्वयं का राज्य स्थापित कर। तो मुख्य बात थी कि अखिल भारतीयता का अभाव हमारे यहाँ। फिर उन्होंने कुछ पीछे जाके भी देखा तो उनको समझ में आया कि पहले के समय में भी 200-300-400 साल पहले भी जो राजा थे वो कुछ राजा ऐसे थे कि जो मुसलमानों का, अंग्रेजों का विरोध करते थे, लेकिन उसमें अखिल भारतीय दृष्टिकोण नहीं था। अखिल भारतीय दृष्टिकोण केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के सोच में, राज्य में था। आपको मालूम होगा कि 1758 में मराठा साम्राज्य जो था वो हिंदुस्तान के अभी वर्तमान जितने भी प्रदेश, लगभग प्रत्येक प्रदेश में मराठों का राज्य स्थापित हो चुका था। तो उनको ये लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हो सकते। दूसरी बात क्या थी कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण होता था, कांग्रेस वाले करते, और उसके कारण से हिंदू अपने आप को असहाय महसूस करते, असंगठित था। 30 करोड़ हिंदू थे लेकिन प्रत्येक हिंदू अपने आप को अकेला महसूस करता था। फिर यह हुआ कि बहुत सारे जो काम होते थे, बहुत सारे आंदोलन होते थे, वे सारे अल्पजीवी सिद्ध होते। कोई कार्यक्रम किया, लोगों ने उत्साह दिखाया, कुछ दिन बाद उसको भूल गए, को बात सुना। फिर एक बात थी कि कार्यकर्ता स्वयंसेवक उपलब्ध नहीं थे। नागपुर में उतने दिनों में राजनीतिक दलों के स्वयंसेवक होते थे जिनको वॉलंटियर होते थे, और नागपुर में उस समय मजाक में बोला जाता था कि माँ का डर ना बाप का डर, बेटा बन गया वॉलंटियर। और ये जो वॉलंटियर होते थे वो लोगों के साथ असंयमित व्यवहार करते, इनको किसी की चिंता नहीं होती थी। तो बोले ऐसे लोग नहीं, ये तो उपद्रव है, वो जाएंगे कहीं पर भी कुछ भी बात करेंगे और बोलेंगे कि मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मैं तो वॉलंटियर। ये स्थिति थी। फिर डॉक्टर साहब के मन में आया कि हमको एक स्वयंसेवक संगठन बनाना चाहिए।
बनाना चाहते। तो डॉक्टर परांजपे में जो थे, जो भारत स्वयंसेवक मंडल में भी उनके साथ थे, कांग्रेस के अधिवेशन में जो स्वयंसेवकों का दल बना था उसके भी वो अध्यक्ष थे और डॉक्टर साहब सचिव थे। तो डॉक्टर परांजपे पे और साधा ठोक बैठे और उन्होंने बोला कि नहीं, अब ये सब कुछ बहुत हो गया, कोई स्थायी संगठन चाहिए, मजबूत संगठन चाहिए, अच्छा संगठन चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। और यह सर्वसम्मति से बोला गया कि ये जो दायित्व है ये डॉक्टर हेडगेवार स्वयं संभाले और डॉक्टर हेडगेवार को ये दायित्व दिया। डॉक्टर हेडगेवार को जब ये दायित्व दिया गया तो उन्होंने नागपुर के कुछ लोगों के साथ पहले उसके बारे में बातचीत की और फिर वे रत्नागिरी में, रत्नागिरी जिले में शिरगांव नाम का एक गांव, वहां पर स्वातंत्र्यवीर सावरकर से मिलने गए। उनके साथ लक्ष्मण राव केरकर थे, विश्वनाथ राव केरकर थे। और जब ये लोग वहां पर गए तो उन्होंने सावरकर जी से भेंट की, फिर डॉक्टर साहब ने वैसा ही किया जैसे तिलक जी से भेंट करने गए थे, पर कि दो दिन वहां रुके और दो दिन विभिन्न सत्रों में उन्होंने स्वातंत्र्यवीर सावरकर से चर्चा की और स्वातंत्र्यवीर सावरकर से चर्चा करके नया संगठन कैसा हो, उसकी ध्येय नीति कैसी हो, उसकी विचारधारा कैसी हो, इन सब बातों पर उन्होंने उनसे चर्चा की। इस चर्चा करने के बाद अब उनको प्रत्यक्ष संघ कार्य